को कंप्यूटर ज्ञान 20 देश में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हर रोज की तरह फिर गुजारिश करूंगा हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान 20 देश को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक लाइक जरूर दें। तो बच्चों, आज हम आप सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी क्या होगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसे हम लोग न छू सकते हैं न देख सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, ऐसी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्जेक्ट नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एब्जेक्ट नाउन ए बी एस टी आर ए सी टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदाहरण के तौर पर बच्चों, जैसे प्यार, क्या हो गया? प्यार। खुशी, क्या? खुशी। गम, सच्चाई। क्या बच्चों? सच्चाई। और बच्चों इसी तरह और भी चीज है, मतलब जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल मतलब सूंघ सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, ऐसी चीज को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदाहरण एक और ले लीजिए बच्चों, जैसे डॉग। इसे आप देख सकते हो, इसे छू भी सकते हो, डॉग फिजिकल वजूद है और यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। जैसे अब हमारे हाथ में क्या है? एक मार्कर है। क्या है बच्चों? एक मार्कर है। यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है क्योंकि इसे हम छू भी सकते हैं, इसे हम देख भी सकते हैं और इसमें खुशबू है, सूंघ भी सकते हैं। तो क्या है बच्चों? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ उदाहरण और हैं, तो आइए देखते हैं। क्या है बच्चों? लव, लव। लव मीन्स प्यार। अगर किसी को किसी से प्यार हो जाए तो वह सिर्फ वही इंसान महसूस कर सकता है, ना कि दूसरा आदमी उसको देख सकता है, ना सुन सकता है, ना ही उसे छू सकता है, ना उसे सुन सकता है। तो यह क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद लक, एल यू सी के। क्या है लक? लक मीन्स क्या है बच्चों? भाग्य। किसी आदमी का कोई भाग्य नहीं जानता है, ना उसे छू सकता है, ना उसे तो देख नहीं सकता। और इसी तरह बच्चों पैन, पी ए आई एन, पैन। पैन मीन्स क्या है बच्चों? दर्द। हाँ, तो अगर आदमी को किसी शरीर के किसी अंग में दर्द होता है तो उसे तो ना वो देख सकता है, ना उसे छू सकता है, सिर्फ वह क्या कर सकता है बच्चों? महसूस ही कर सकता है। उसके बाद बच्चों एंगर, एंगर। एंगर मीन्स बच्चों गुस्सा। हाँ, अगर आदमी किसी के ऊपर गुस्सा होता है तो क्या करता है कि उसको महसूस कर सकता है गुस्से को, न उसे छू सकता है न देख सकता है। इसी तरह बच्चों टाइम हो गया। क्या है टाइम? टी आई एम ई। क्या है टाइम? टाइम को भी हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न कि उसे देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सुन सकते हैं। उसके बाद बच्चों हो गया लाइफ, एल आई एफ ई, एल आई ई, लाइफ। लाइफ आदमी की गुजर जाती है, सिर्फ वह महसूस करता रहता है, ना उसे अपने लाइफ को छू सकता है ना देख सकता है। इसी तरह फेयर, एफ ए आर, एफ ई ई आर, फेयर। फेयर मीन्स बच्चों डर। आदमी जब किसी चीज से डरता है तो अपने डर को महसूस करता है, ना कि उसे देखता है।
तो बच्चों इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का उच्चारण ये है कि जो चीज हम न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, तो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। समझ में आ रहा ना बच्चों? जिस चीज को हम न देख सके, न सुन सके, न सूंघ सके, सिर्फ उसे महसूस कर सके, ऐसे चीज को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो बच्चों बने रहें इसी तरह हमारे वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम।